बीपीएससी को घेरने के लिए बिहार के पूरे अभ्यर्थी भर भर के पटना में जुटेंगे और 12 अगस्त 2024 को एक के बदले एक रिजल्ट देने के लिए वहां पे बहुत सारे अभ्यर्थी जुट रहे हैं, जो कि हो सकता है इसके डेट 2-3 दिन और आगे बढ़ाए जाएं, 13-14 अगस्त को भी इस पे मंथन कराया जाए। फिलहाल 12 तारीख का तय समय रखा गया है छात्र नेता द्वारा, उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिया है, साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है बीपीएससी को, अगर आप आपकी रिजल्ट निकालते हो तो पिछली बार की तरह रिजल्ट मत निकालना, सबसे पहले आप काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग करा करके उन सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराइए जो अवरोही क्रम में है। जैसे मान लीजिए किसी ने 12 का भी दिया है, किसी ने 9 का भी दिया है और 6, 7, 8 का भी दिया है और 1 से 5 तक का भी दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को 4 जगह रिजल्ट मत दीजिए, 1 अभ्यर्थी का 1 रिजल्ट दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप काउंसलिंग करा लीजिए और कंफर्म कर लीजिए उसको सिलेक्शन कहाँ लेना है, उसको कहाँ पे पोस्टिंग लेनी है। अगर वो 12 में पोस्टिंग ले लेता है उसकी पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद 9-10 का आप काउंसलिंग कराइए, फिर 6-8 का, फिर 1 से 5 तक का। तो इस तरह कराने से एक व्यक्ति के बदले एक रिजल्ट आएगा, जिससे अन्य अभ्यर्थी जिनका नंबर आ सकता था, जिनका रोल नंबर भी उस पीडीएफ में आ सकता था, वो नहीं आ पाते थे। तो ऐसे के लिए काफ़ी सख्त अल्टीमेटम अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया है। फिलहाल अब बिहार सरकार या बीपीएससी इस पर कितना अमल करती है तो आगे का विषय है, लेकिन जो भी बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थी हैं उनको ये जानकारी जो है स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। तो फिलहाल आपका क्या कहना है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके क्या लाभ हानि है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।